हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे एक तो न्यू अपडेट गूगल ने अभी रिसेंटली लॉन्च करा है, गूगल एड्स इमेज एक्सटेंशन। तो आज हम एक ये कवर करने वाले हैं टॉपिक। इसके साथ साथ जब एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन काफ़ी रेज होता है, काफ़ी ट्रेनिंग मुझसे पुटअप करते हैं कॉल पे, मेल पे मेरे सब्सक्राइबर, तो मैं उसका भी सॉल्यूशन एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ। वैसे पहले की कुछ वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ है कैसे आप टर्न ऑफ कर सकते हैं अपने डायनेमिक एक्सटेंशन। होता क्या है, कई बार एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली आपके क्रिएट हो जाते हैं, आपने बनाए नहीं होते लेकिन एड्स में आ जाते हैं। तो उस केस में अगर आप चाहते हैं कि जो एक्सटेंशंस आप रन करना चाहते हैं वही विजिबल हो विद योर एड कॉपी, बाकी जो एक्सटेंशंस गूगल डायनेमिकली ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रहा है वो आपके ऑटोमेटिक ना आए, तो उनको कैसे आप ऑफ कर सकते हैं वो भी मैं इस वीडियो में एक बार कवर करूंगा। तो सबसे पहले न्यू अपडेट कवर करते हैं लाइव अकाउंट में। अगर फ्रेंड्स आप अपने गूगल एड्स अकाउंट में, तो आपने करना कुछ नहीं है, जो आपको न्यू अपडेट मिलेगा इमेज एक्सटेंशन का, तो आपने कैंपेन पे क्लिक करना है। जैसे मैं ऑलरेडी मैंने अपने कैंपेन में क्लिक करा है, एक्सटेंशन में जाना है, एड्स के नीचे जो एक्सटेंशन आता है वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डायनेमिक इमेज का। तो ये इमेज एक्सटेंशन अभी गूगल का एक रिसेंट न्यू लॉन्च अपडेट है। अब उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि जो ऑटोमेट एक्सटेंशन होते हैं अगर आपको उसको ब्लॉक करना है तो देखिए फुटर में आप देखेंगे यहाँ पे एक आपको लिखा आएगा ऑटोमेटेड एक्सटेंशंस, हर एक अकाउंट के फुटर में लिखा आएगा ऑटोमेटेड एक्सटेंशंस। पहले इसको मैं ब्लॉक करना आपको बता देता हूँ। आपने कुछ नहीं करना, ऑटोमेटेड एक्सटेंशंस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो भी आपके ऑटोमेटेड एक्सटेंशंस हैं वो आपके सामने यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। जैसे गूगल ने मेरे केस में जो एडवर्टाइजमेंट रन करा है वो डायनेमिक कॉलआउट्स उसने खुद ही मेरे लिए बना दिए कॉलआउट्स, मैंने जो बनाए थे वो तो अलग थे लेकिन गूगल ने ऑटोमेटिकली जो टेस्टिंग के लिए या वेबसाइट के बेसिस में जो गूगल का अपडेट एक्सटेंशन का उसके हिसाब से गूगल ने खुद से भी कुछ कॉलआउट्स बनाए थे जो कि डायनेमिक थे, मैंने नहीं बनाए थे, अकॉर्डिंग टू माई वेबसाइट एज पर माई वेबसाइट डेटा जो भी उसने फेच करा उसने कॉलआउट्स बनाए और गूगल ने मेरे लिए बनाए थे डायनेमिक स्ट्रक्चर्ड स्निपेट। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप देख लें, डायनेमिक कॉलआउट और डायनेमिक स्ट्रक्चर्ड स्निपेट। अब इनको अगर मुझे ब्लॉक करना है या आपके केस में कुछ और भी डिफरेंट हो सकते हैं या कोई ना आए हो, तो अगर आपको लेट्स सपोज इसको ब्लॉक करना है तो आप कैसे करेंगे? अब करना क्या है, यहाँ पे कोई चेकबॉक्स नहीं आता क्लिक करने के लिए, आप बोलेंगे सेलेक्ट करें और मैं इसको रिमूव कर दूं, ऐसा आप नहीं कर सकते। ऑटोमेटेड एक्सटेंशंस के अंदर राइट साइड में एक ऑप्शन आएगा आपका मोर का, आपने मोर पे जाना है, एडवांस सेटिंग्स आएगा, एडवांस सेटिंग्स में क्लिक करना है। यहाँ पे आपके जितने भी एक्सटेंशंस होते हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। अब आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कुछ मैंने ऑफ भी कर रखा है, डायनेमिक साइड लिंक्स मैंने ऑफ कर रखा है, डायनेमिक कॉल आउट ऑन था, बाकी सारे एक्सटेंशंस जितने भी होते हैं गूगल के वो मेरे ऑन थे, इसलिए गूगल को जो जो एक्सटेंशन एप्लीकेबल लगे एज पर माई वेबसाइट जो वो डायनेमिकली क्रिएट कर सकता था उसने वो एक्सटेंशंस क्रिएट कर लिए। तो उसने दो बनाए थे, एक मेरा कॉल आउट बनाया था, एक स्ट्रक्चर्ड स्निपेट, बाकियों का शायद उसको नहीं उतना ऑथेंटिक लगा होगा मेरी वेबसाइट से डेटा, या उसने अभी थोड़ा टाइम लेके ही बना सकता है, कोई ऐसा नहीं किसी का जल्दी बन जाता है, किसी का थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस के बाद गूगल एक्सटेंशंस डायनेमिकली क्रिएट करता है। तो ये इस तरीके से। अब बात आई कि मैंने ऑफ कैसे करा, सिंपल फंडा है फ्रेंड्स, डायनेमिक कॉल आउट में जाइए, ऑफ। अब आपको एक रीजन देना पड़ता है, ऑन तो रिकमेंडेड होता है गूगल का, डिफॉल्ट अकाउंट्स में ऑन ही रहती हैं सारी सेटिंग्स, जैसे आप भी अपना टेस्ट करते हैं, सेलेक्ट रीजन देना है, तो यहाँ पे मैं अदर रीजन देता हूँ, नहीं तो आपको टाइप करना पड़ता है बाकी चीज़ों में, अदर में आपको कुछ गूगल को बताना नहीं होता कि क्यों आप ऑफ करना चाह रहे हैं और इसको सेव कर दें। तो ऐसे आपको वन बाय वन सारे एक्सटेंशन ऑफ करने हैं। तो जैसे आप सारे एक्सटेंशन ऑफ कर देंगे उसके बाद आपका जो है ये जितने भी डायनेमिक एक्सटेंशन हैं ये गूगल पे राइट नहीं रहेगा कि वो आपका डायनेमिकली क्रिएट करे। तो ये तो बात रही फ्रेंड्स हमारे डायनेमिक को अगर हमें ऑफ करना हो। अब देखिए यहाँ पे डायनेमिक इमेज एक्सटेंशन है वो भी मैंने ऑफ करा हुआ है क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग इमेज डाल के एड्स चलाऊंगा। अब वो क्या अपडेट है पहले मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है? चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आपका एक्सटेंशन में इमेज के बारे में, जो न्यू अपडेट है आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो हम पहले उसके बारे में समझते हैं। अब आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है फ्रेंड वो इमेज के साथ रन होगी। अब कैसे होगी उसका प्रीव्यू वगैरह मैं सब दिखा देता हूँ, बहुत सिंपल अपडेट है, बहुत इजी टास्क है करना, एग्जीक्यूट करना। तो मैं क्या करता हूँ, प्लस एक्सटेंशंस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे को एक ऑप्शन आएगा इमेज एक्सटेंशन का। अब आप में से कई लोग इस वीडियो के बाद मुझे ये भी क्वेश्चन पुटअप करेंगे कि सर हमारे अकाउंट में तो इमेज एक्सटेंशन का कोई अपडेट ही नहीं आया, इमेज एक्सटेंशन अपडेटेड ही नहीं है। तो फ्रेंड एक चीज़ मैं पहले आपको बता दूँ, आप भी रिसर्च कर लेना, R&D कर लेना इमेज एक्सटेंशन के बारे में, कि ये कुछ कुछ बिजनेस के लिए गूगल ने एप्लीकेबल करा है। जिन जिन बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है जब ये लॉन्च हुआ था तो उन सब अकाउंट्स में जो जो वेबसाइट उसको कंपैटिबल लगी टू यूज़ विद इमेज एक्सटेंशन उन्होंने अकाउंट्स में इमेज एक्सटेंशन ऑलरेडी आ चुका है। जिन जिन बिजनेस में उन्हें गूगल को लगता है कि ये इमेज एक्सटेंशन कंप्लाई नहीं करता
उन अकाउंट्स में इमेज एक्सटेंशन नहीं आएगा। तो ये मस्ट है कि आपका बिजनेस पहले इमेज एक्सटेंशन की जो पॉलिसीज है, नेचर ऑफ बिजनेस है, उससे कंप्लाई करना चाहिए, तभी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ये मैंने क्लियर कर दिया, कहीं आप इसको लेके मुझे पॉइंट करते रहे रेज मेल पे या कमेंट पे, आप मुझे कॉल करें, तो वो मैंने पहले क्लियर कर दिया। तो मैंने इमेज एक्सटेंशन पे क्लिक करा, अब उसके बाद मेरे को कैंपेन चूज करना है। आई गेस मैंने पहले कैंपेन चूज नहीं करा था, तो मैं अभी कैंपेन चूज कर लेता हूँ। एक मिनट रुकिएगा, मैं पहले कैंपेन ही चूज कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें। ये मेरा कैंपेन है राहुल BMM, मैंने कैंपेन पे क्लिक नहीं करा था। अब मैं जाता हूँ एक्सटेंशंस पे, प्लस इमेज एक्सटेंशन, नहीं तो मुझे सारे कैंपेन दिखा था, टाइम लगता है। मेरा कैंपेन सिलेक्टेड है, अब मुझे करना है क्रिएट न्यू, ठीक है। ये फ्रेंड मेरा प्रीव्यू है, अगर आपको मैं थोड़ा और जूम करके दिखा दूँ, ये मेरा एड कॉपी है, हेडलाइन 1, हेडलाइन 2, ये नॉर्मल एड कॉपी है जो आप अपना जो रिस्पॉन्सिव एड्स बनाते हैं, टेक्स्ट एड या एक्सपेंडेड टेक्स्ट एड बनाते हैं, ये वही एड कॉपी है, मैंने बनाया था एक्सपेंडेड टेक्स्ट एड। तो मैं ये आपको जो एड कॉपी दिखा रहा हूँ वो डिफॉल्ट पिक कर रहा है गूगल, ये एक्सपेंडेड है, हेडलाइन 1, पाइप साइन के बाद हेडलाइन 2, देन डिस्क्रिप्शन लाइन 1 एंड डिस्क्रिप्शन लाइन 2, ठीक है। अब यहाँ पे एक इमेज का ऑप्शन आ गया है, तो गूगल यहाँ पे मेरी इमेज भी लगा सकता है। इमेज अपलोड करते समय 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, और डिस्प्ले के कंपैरिजन में क्या डिफरेंट है वो बस इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको बता देता हूँ। प्लस इमेज पे क्लिक करते हैं। अब स्कैन अगर आपको अपलोड करना है, बट उसके लिए पहले साइजेस वगैरह तो पता हूँ, तो वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। स्कैन वेबसाइट में जाना है आपको, डिफॉल्ट आप अपलोड में आएंगे, स्कैन वेबसाइट में जाएं, बहुत ईजी तरीका बता रहा हूँ आपको फिगर आउट करने के लिए। क्वेश्चन मार्क आता है रिक्वायरमेंट्स पे, इस पे क्लिक करें, आपको दो साइजेस बता रहा है, एक लैंडस्केप और एक स्क्वायर। अब आपको अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आपको पता होगा डिस्प्ले में भी जो आप अपना जो रिस्पॉन्सिव इमेज ऐड बनाते हैं तो वो लैंडस्केप और स्क्वायर ही होता है, सेम साइजेस होते हैं, 1200x628 जो रिकमेंडेड होता है, और जो आपका स्क्वायर का होता है वो होता है 1200x1200। तो दो साइजेस होते हैं, एक लैंडस्केप और एक स्क्वायर, सेम साइजेस हैं आपके जैसे डिस्प्ले रिस्पॉन्सिव ऐड होता है। अब डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो इमेजेस हम बनवाएंगे, मैंने कंपनी को ऑलरेडी मेल कर दिया इन दोनों डायमेंशंस का कि मेरे को इनकी इमेजेस चाहिए। फर्क क्या है, जो डिस्प्ले रिस्पॉन्सिव ऐड है उसमें डिफरेंस ये है कि उसमें आप कंटेंट ओवरले यूज कर सकते हैं, मतलब आपकी इमेज में आपने कोई भी टेक्स्ट ओवरले यूज कर लिया, अपना जो लोगो ओवरले यूज कर लिया, मतलब अपनी इमेज में लोगो भी दे दिया, थोड़ा बहुत कंटेंट भी ऐड कर लिया, डिस्प्ले रिस्पॉन्सिव में वो चल जाता है। लेकिन जब हमारी इमेज एक्सटेंशन की इमेजेस की बात आती है, जो ये डायमेंशंस है, ये बिल्कुल प्योर क्लीन चाहिए, इसमें नो टेक्स्ट ओवरले, नो इमेज ओवरले, मतलब इमेज बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, कोई कंटेंट कोई लोगो नहीं होना चाहिए, नहीं तो इमेज आपकी डिसअप्रूव हो जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना, बस इतना ही डिफरेंस है, फाइल साइज वगैरह दोनों का सेम है। तो अभी तो मेरे पे कोई इमेज नहीं है, लेकिन जैसी कोई इमेज मैं यहाँ से ऐड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, तो उसके बाद वो ले लेगा, ठीक है। अब उसके बाद आपका प्रीव्यू जो है वो इस तरीके से आएगा यहाँ पे इमेज का। कई बार जो इसके प्रीव्यूज हैं वो चेंज होता है, कई बार हेडर में फुल इमेज आ जाएगा और आपका नॉर्मल रहेगा, जितना मैं समझ पाया हूँ अभी इसका कोई और जो है इसका और कोई प्रीव्यू नहीं है मोबाइल के पार्ट। तो मुझे लग रहा है ये सिर्फ मोबाइल के लिए ही एप्लीकेबल है, डेस्कटॉप पे भी ये फीचर काम नहीं करेगा। नहीं तो प्रीव्यूज में आइडिया आ जाता है कि डेस्कटॉप का प्रीव्यू कैसा आएगा, मोबाइल का कैसा आएगा, टैबलेट का कैसा आएगा, अब ये सिर्फ मोबाइल के लिए ही एप्लीकेबल दिखा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ नहीं करना, बस इमेज ऐड कर देनी है और इसको सेव कर देना है, आपका इमेज एक्सटेंशन रेडी। मैं भी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आज कंपनी को अभी जो है ये टूर एंड ट्रैवल का ऐड है तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम, कल परसों से अपनी एडवर्टाइजमेंट। तो अभी मैंने डायमेंशंस टीम को दे रखें, वो क्रिएट करेंगे क्योंकि बिल्कुल क्लीन इमेज चाहिए, कंटेंट नहीं चाहिए। जो मेरे पहले की इमेजेस हैं उनमें थोड़ा बहुत टेक्स्ट ओवरले इमेजेस में जो है हमारा लोगो वगैरह है, इसलिए मैं वो यूज़ नहीं कर रहा। तो जैसे ही मेरे पे आ जाएंगी सेव कर दूंगा तो हमारा ही मोबाइल पे चल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, फिर भी कोई डाउट क्वेरी आती है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं। लास्ट वीक मैंने अपने चैनल पे, राहुल बिष्ट मेरा यूट्यूब चैनल है जो पहली बार देख रहा है, वीडियो सेक्शन में आप जाएंगे तो लास्ट वीक मैंने एक स्क्रिप्ट रिपोर्टिंग का ऑडिट का डाला था, तो आप वो भी देख लें। और भी मेरा पेड मार्केटिंग का थोड़ा बहुत एडवांस और न्यू स्टफ मैं डालता रहता हूँ, तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो एक बार चैनल भी गो थ्रू कर ले। तो फिलहाल फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही था, आई गेस आपको एक छोटा सा अपडेट है समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी टॉपिक है, न्यू फीचर है, इंटरव्यू में आप बता सकते हैं, इट्स अ न्यू अपडेट। तो यही आज इस वीडियो में था, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे, थैंक यू।